तालियों की आवाज जो है ना मुझे यहाँ से आनी चाहिए प्रॉपर, एक प्रॉपर तालियों की आवाज नहीं गूंजी। पूरा एपिसोड इतने ही मुक जाना है, ऐसे तालियों तो ही पूरा एपिसोड मुक जाना है, कोई हाल नहीं है भाई। हमारी खूबसूरत सी जो प्रीति सी मॉडल महरीन सैयद बैठी हैं, तो उनके साथ जरा गप्पे शप्पे लड़ाते हैं। 2007 में आपने इंटरनेशनल मॉडल ऑफ द ईयर अवार्ड विन किया, कैसा लगता है इतने अवार्ड्स जीते, फेस ऑफ द ईयर अभी उस पर भी आते हैं वैसे, मगर कैसा फील, कैसा करती है इतने अवार्ड्स? वैसा अच्छा लगता है जब कोई अप्रिशिएट करता है, स्पेशली जब आपके इंडस्ट्री के लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, अच्छा लगता है। घर में अगर माँ बाप में भी कोई अगर बच्चा क्लास में अच्छी पोजिशन ले तो जब उसको प्यार मिलता है तो उसको भी अच्छा लगता है। तो ऑफकोर्स इस फील्ड में जब रहते हैं और जब अवार्ड्स मिलते हैं और जब आपके फैंस आपको पसंद करते हैं तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, आप पहली मॉडल हैं जो अलमरा मिडल ईस्ट फैशन मैगज़ीन के कवर पर छपी है ना? मैगजीन तो बहुत ज़्यादा किया जी। अच्छा, इंटरनेशनल काफ़ी, बल्कि मैंने कुछ इंडियन मैगजीन्स भी देखे जिसके कवर पे मैंने आपको देखा, मैंने पहले कभी किसी मॉडल को नहीं देखा। तो वैसा होता ये है कि बहुत ज़्यादा मॉडल्स हैं पाकिस्तान की जो इंटरनेशनली भी काम करती हैं, तो यहाँ पर बहुत कम पता लगता है क्योंकि फ़ैशन फील्ड के इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स नहीं टीवी पे होते हैं और मैगज़ीन बहुत कम लोग लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह मेरी सीनियर मॉडल्स भी हैं जो काम कर रही हैं और इंटरनेशनली बहुत मॉडल्स काम करती हैं। मगर आप जैसी आई थी तभी छा गई थी फ़ौरन, आपको इतना टाइम नहीं लगा कि ठीक है आपने बहुत मेहनत की है, आज आप जिस मुकाम पर हैं पीछे एक मेहनत है तो आज आप महरीन सैयद हैं, मगर वो वाला टाइम वेट नहीं किया आपने कि यार कब चांस लगेगा, कब लक लगेगी? वो जो रंगीला मूवी में उर्मिला ने मेहनत की थी वैसी मेहनत नहीं की आपको, जरूरत ही नहीं एक ऑनेस्टली बात बताऊँ, इट्स बीन 8 ईयर्स नाउ कि जब मैं भी आई थी इनिशियली मुझे काम नहीं, बहुत कम मिलता था और लकीली ये था कि मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया था, मुझे अतर शहजाद मिल गए थे और मैं उनके साथ मैंने काम शुरू किया था। तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ी थी और काम भी नहीं मिलता था और उस वक्त इतनी इतना माशाल्लाह के पास भी इतना काम उस वक्त नहीं होता नहीं था। जाहिर सी बात है लोग काम कम कर रहे होते थे हमारे लिए, अब तो न्यू जो नई मॉडल्स हैं उनके लिए इतना ज़्यादा इस फील्ड में काम है, बट इनिशियली सबको मेहनत करनी पड़ी, मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ी, बट मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया था, मुझे लकीली अतर शहजाद मिल गए थे तो महरीन सैयद तो वहाँ से आते हैं ना जरा, बिल्कुल शुरू से आते हैं। हाँ, कि क्योंकि बचपन की बात नहीं करूँगी, मुझे तो आप अभी भी बिल्कुल बचपन वाली बिल्कुल छोटी सी मासूम सी नटखट सी महरीन सैयद लगती हैं। तो मैं अबे इसमें मेरी बेइज्जती करने वाली कौन सी बात थी, हर वक्त मेरी बेइज्जती मेरे गेस्ट के सामने कराते रहते हैं। अच्छा, मैं आऊँगी वहाँ से कि जब आप मॉडलिंग में आई तो वो क्या था, कौन सा रिक्शा कौन सा टांगा कराया था जो आज आप मतलब महरीन सैयद बनी, मतलब मुझे वो ज़रा थोड़ा सा फैमिली में इनिशियली दे वो चाहते नहीं थे कि मैं इस फील्ड में आऊँ, बिकॉज इस फील्ड के बारे में अम्मी ने बाद में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, शुरू में इस फील्ड के बारे में लोगों को नहीं पता, बट मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप अच्छे हैं तो सब लोग अच्छे हैं,
तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इन 8 सालों में आज तक कभी किसी ने तंग नहीं किया और हमेशा मुझे अच्छे लोग मिले हैं। तो आप जब तक खुद नहीं जाते जिस जगह पर, आपको पता नहीं लगता वो जगह कैसी है। बिल्कुल, आप किसी भी जगह पे देखिए, अच्छे बुरे लोग, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये फील बहुत अच्छी है, मेरे जो मेरी फैशन इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। मैं क्यों ना सबको बताऊं, आए और फैमिली है वो तो बिल्कुल इधर आए और इधर अच्छे लोग हैं और अच्छे ही लोग आपको मिलेंगे। तो मैं फैमिली ने शुरू में सपोर्ट नहीं किया था और फिर बाद में उन्होंने कहा ठीक है, मैं अतर शहजाद के पास आ गई थी और फिर मैंने वहाँ से अपना काम स्टार्ट कर दिया था। पहला काम क्या था? सबसे पहले मैंने शो किया था, एक फैशन शो किया था पीसी में, हसन शहरयार का। अच्छा, पहली ब्रेक की शेयर की? हाँ, क्योंकि शुरू में आपको एक था हाजरा हयात का था बहुत पहले, फिर अल्ताफ के साथ वो मैंने किया, फिर कारमा का किया था, फिर उसके बाद वो थोड़े थोड़े थे, इतना माशाल्लाह ये होता है कि जब अतर शहजाद के साथ आ गए थे तो ऑलरेडी ही इतना ज्यादा शूट शुरू हो गए थे। फैशन शोज में उस वक्त जॉब भी करती थी और साथ साथ पढ़ भी रही थी। आप किस तरह मैनेज करती थी अपनी जॉब को भी और शूट्स को भी? वो ये जॉब आप क्या कर रही थी? मैं उस वक्त PIA के साथ फ्लाइंग कर रही थी। क्या बात है। और साथ में होम इकोनॉमिक्स से BSc कर रही थी। ये जो स्टैंडर्ड है आपकी पूरी बॉडी में, एक जो लुक है वो आपको PIA से मिला? नहीं, ये मुझे अतर शहजाद से और मेरे जो जितने भी कोरियोग्राफर्स थे उनसे मिला है, जिन्होंने मुझे फैशन फील्ड में सिखाया उन्होंने मिला है। हाँ, PIA से मुझे ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल मिली, एक कॉन्फिडेंस मिला कि जब आप लोगों को समझते हैं तो ये आपके फ्यूचर में कितना अच्छा होता है। जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो उनकी आपको थिंकिंग का पता लगता है, तो पॉजिटिवनेस जो है वो आपको काम करने से ही मिलती है। तो इस फील्ड में आई और साथ साथ फ्लाइंग की, क्योंकि मैं चाहती थी फिजा मैं कुछ करूं लाइफ में, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट ट्रैक बनाया था कि कुछ करना है, फैमिली सपोर्ट करनी। अब बहुत अच्छी बात है कि आप जैसी बेटियां माशाल्लाह हैं हमारे माशरे में, कि वो इस चीज़ों को वो नहीं लेती नेगेटिव कि भाई हम क्यों, हम घर में बैठे हमने क्या काम करना। आप तालीम आपको ये सिखाती है कि आप काम करें, तो आपने इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लिया है। मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है। नहीं, बिल्कुल यही बात है कि एक तो ये कि मैं चाहती हूँ कि देखें, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमें इस पाकिस्तान का एहसास करना है और इससे प्यार करना है। तो हर एक शोभा है, हर एक फील्ड है जिसको आप जब ज्वाइन करते हैं, तो जब तक उससे उसमें आप डेडिकेशन से दिल से काम नहीं करते तो आप सक्सेसफुल नहीं होते। मॉडलिंग किस तरह से सपोर्ट कर रही है हमारे मीडिया जो है वो किस तरह सपोर्ट कर रही है हमारे पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को किस तरह से एक सपोर्ट कर रही है? अगर मैं देखिए मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं तो देखिए मीडिया के बगैर क्या रोल प्ले कर रही है? देखिए मीडिया के बगैर कोई भी चीज़ आगे नहीं जा सकती है, और मीडिया जो है हमारी इस वक्त फैशन फील्ड को बहुत सपोर्ट कर रहा है। अभी ही पाकिस्तान को इंटरनेशनली अब फैशन को जाना जाता है, जिस तरह अब इंटरनेशनल ब्रांड्स जो हैं वो पाकिस्तान में आ गए हैं, जैसे लॉरियल पेरिस है, आप उसकी स्पोक पर्सन भी हैं माशाल्लाह, आपने रिसेंटली साइन किया है। बिल्कुल, और ये इंटरनेशनल काफ़ी बड़ा लॉरियल पेरिस ब्रांड है, पाकिस्तान में आया, वो पाकिस्तान की डिफरेंट में फैशन को सपोर्ट कर रहा है। अब मैंने एक पाकिस्तान की पहली फैशन एकेडमी अपने जितने भी इंडस्ट्री के बड़े जी जो हैं लाहौर में ब्रांच खोली है ना इसकी, लाहौर में ब्रांच खोली है, तो ये हमने एक यंगस्टर्स के लिए नया प्लेटफॉर्म खोला है और जिसमें लॉरियल पेरिस भी सपोर्ट हमें कर रहा है। सो बेसिकली कहने का मकसद है कि मीडिया के बगैर और जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, न्यू कमर्स तो इजीली आपके पास आके ये चांस ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। मैं ज़रूर यही बताने के लिए आई हूँ कि जो मॉडल्स बनना चाहते हैं, जो अपने आप को ग्रूम करना चाहते हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, जो फोटोग्राफर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए जितने भी पाकिस्तान इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं वो उनको वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, और इसका नाम इंटरनेशनल फैशन एकेडमी पाकिस्तान है। तो ज़रूर आएँ, और जो बनना चाहते हैं प्लीज़ अपने ड्रीम्स को मत रोकें। और ये एक अब इसकी एक कमी थी कि एक प्लेटफॉर्म हो, और ये अब हम सब ने मिलकर एक बना दिया है। तो प्लीज़ जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ करना है वो अपने आप को मत रोकें, अब उनके लिए रास्ते और भी आसान हो गए हैं। क्या बात है। मगर अब हम जो है थोड़ा सा रुकेंगे, क्योंकि रुकने के बाद हाँ होता है एक वो कहते हैं ना, पैसे हाँ दे दिल बदल दे, तो अभी पैसे आएंगे तो फिर हम आगे चलेंगे। बात हो रही है मीडिया की, तो ऑफकोर्स ब्रेक का टाइम हो रहा है और महरीन ने पहनी है साड़ी, तो मैं उसको कष्ट नहीं दूंगी, मुझे पता है वो उठना फिर बैठना, तो वो आप अगर बैठे बैठे ब्रेक पर अपनी ऑडियंस अपने फैंस को भेजेंगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। क्या चीज़, तो कैमरा आपका है ये क्या, ब्रेक पे भेज दे आप स्टाइल। प्लीज कहीं ना जाइएगा, इंतजार कीजिएगा, हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वाओ, था यकीन के आएंगे ये रात।